प्रीति दीदी, अभी आपको तरह तरह बात लोग कहेंगे, तरह तरह का आपको टॉर्चर करेंगे, बहुत बात बोलेंगे, लेकिन जाने दीजिए, बोलने दीजिए। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने कामों में व्यस्त हैं। तो दोस्तों, मैं यही आप लोग से यही बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, तब आप लोग को समझ में आएगा मैं क्या इसके बारे में बोली हूँ और किसको क्या कही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट की भी ज़रूरत है और जानकारी भी लेना ज़रूरी है। दोस्तों, मैं ये बात कर रही हूँ, लड़की है या लड़का हो, देखिए कोई काम, जैसे भाई हम ही काम कर रहे हैं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तो हमारे कहने का मतलब ये, जब शादी ब्याह हो जाती है तो बिना कष्ट काटे चाहे कोई भी कुछ करने से। तो दोस्तों, शादी के बाद थोड़ा नरम गरम बिल केहू कौन कष्ट कहले आगे ना पढ़ेला, तब पहले आदमी बहुत सोचेला कि हाई चीज़ हम कोई ली, हाउ चीज़ हम कोई ली, तो कहले बात ना है भाई लोगन। तो प्रीति, हम आपको यही बात समझा रहे हैं, हम अपने समय में बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत क्या किए हैं, अपने उम्र में बहुत कष्ट कटले हैं। पापा हमारे 15 साल में शादी कर दिया, हमन के तरह पहले के बात रहा भाई लोग, हमके जानना रहता कि कैसन प्यार होगा, कैसन का होगा। और हम लोग नहीं जाना रहने हमारे घर, वहाँ पापा के घर आदेश रहें कि मोबाइल ले कर चले के लिए, कि बहुत पापा के डर लगत रहा है, अम्मा तनिक लेकिन पापा के ये जवान नहीं लड़ावत रहा। तो दोस्तों, हम लोग माई दादा के लगे रहने तो बहुत मन बहुत बहुत शासन रहा लगता है, उतना शासन नहीं अब लेकिन के देत बाटे सब जने की देखिए हमारा कोनो कांड कई नहीं है। तो बात रही गई ली कि दीदी, अब जैसे शादी कई नहीं है, अगर मम्मी पापा के जैसे प्रीति दीदी आपकी होती तो कितना अच्छा रहता, लेकिन कोई बात नहीं है, जनता यही है आपको। हम समझ रहे हैं आपकी मजबूरी कि आपको लोग टॉर्चर किए हैं, तब आप शादी की हैं। देखिए, कोई गलत नहीं की है, मान लो उन्हीं के साथ आप वीडियो बना रही थी, उन्हीं के साथ वीडियो बना रही हैं, उन्हीं के साथ हैं, कोई गलत नहीं की है। लेकिन एक बात मेरा भी ध्यान से सुन लीजिए दीदी, हम यही आपसे कहेंगे कि चले जाइए आप सुरेश भैया के पास, आप दोनों लोग अच्छे से रहिए, अच्छे से वीडियो बनाइए, माँ बाप को आप लोग मनाइए, माँ बाप से आप लोग मिलिए, और हम तो यही समझाएंगे आप लोग को। तो दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, मैं यही ख़त्म कर देती हूँ, और मैं कुछ अगर गलत बोली होंगी तो प्यारा सा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, और अच्छा बोली होंगी तो भी कमेंट करके आप लोग बताइएगा ज़रूर, क्योंकि हम किसी का सोचते नहीं हैं कि एक लड़की हो के एक लड़की का इज्जत उछले, हम यही समझते हैं, कहते हैं जैसे मेरा इज्जत वैसे सब बहन का इज्जत। तो मैं सोच रहा हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो गया दोस्तों, अगर मैं कुछ गलत बोल दी इसलिए आपसे लोग से माफ़ी चाहते हैं।